वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं DJI Phantom 4 ऑल मॉडल्स, इनमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एक साथ कैसे की जाती है। दोस्तों जब हम कोई भी ड्रोन परचेज करते हैं तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगी हुई होती है। तो दोस्तों हम जब भी ड्रोन चलाते हैं तो उसका खाली वीडियो कैचअप भी आता है, वीडियो आती है ओनली। और दोस्तों हम इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करें, तो दोस्तों हमारे एक दोस्त का कमेंट आया था, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका कमेंट आया था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों ये वीडियो उसी टॉपिक पर बनाई जा रही है, तो वीडियो बने रहें अंत तक, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। तो दोस्तों DJI Phantom 4 के जितने भी मॉडल्स हैं उनमें सेम सेटिंग्स होती हैं, जैसे Phantom 4 हो गया, 4 Pro हो गया, B2 हो गया, तो इन सभी मॉडल्सों में सेम ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, सेम जैसे फंक्शन दिए हुए हैं इसमें। तो दोस्तों ये हमारा B2 Plus में हमें आज आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके बताएंगे। शादी विवाह या कोई भी इवेंट हो उसमें कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें वीडियो के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए खास तौर पर बनाई गई है। तो दोस्तों हम इसमें वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एयरक्राफ्ट को चालू कर लेते हैं। ये अपना एयरक्राफ्ट चालू हो रहा है दोस्तों, जब एयरक्राफ्ट चालू हो रहा है जब तक हम इस रिमोट कंट्रोल को भी चालू कर लेते हैं। दोस्तों अभी हमारा रिमोट कंट्रोल बूट हो रहा है, 10 से 15 सेकंड के करीब टाइम ले लेगा बूट होने में। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वो अप्लाई करते हैं। राइट, क्लियर दिख रहा, तो इसको इग्नोर कर दें। तो दोस्तों खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, हमारा एयरक्राफ्ट है, ये हमारा रिमोट कंट्रोलर है। तो दोस्तों इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग केवल हमारा रिमोट कंट्रोल करता है, एयरक्राफ्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें पंखुड़ियों की नोइज इतनी ज़्यादा होती है जिससे हम कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएँ जो अच्छे से सुनाई नहीं देगी, इस वजह से इसमें माइक नहीं दिया जाता। तो दोस्तों ये हमारे ओनली केवल रिमोट कंट्रोल में ही माइक होता है इंक्लूड। की डॉट पर क्लिक करना है, बहुत ही सिंपल सेटिंग्स है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जनरल सेटिंग में जाना है आपको और इसमें दिया है कैच लोकलिटी वैन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ऑडियो विद ऑडियो कैच। तो दोस्तों ये हमारा इसमें ऑफ है, इसमें हमारा ऑफ है, हम इसको ऑन करते हैं, हमारे ऑडियो वीडियो दोनों इससे चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों हम फिर वापस जाते हैं होम पेज पे। दोस्तों हम अब इससे रिमोट कंट्रोल से और ड्रोन उड़ा के आपको फ्लाई करके दिखाएंगे और ऑडियो साथ में रिकॉर्ड करके बताएंगे। तो दोस्तों हम अब ड्रोन को अपने को फ्लाई करने के लिए जा रहे हैं, आपको ऑडियो भी। अब हमारा ड्रोन फ्लाई हो चुका है, अब आपको इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों सुनाई दे रही है। वीडियो भी आ रहा है साथ में और दोस्तों अब इसमें ऑडियो वीडियो में हमारी ऑडियो भी साथ में रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों। दोस्तों अब इसमें ऑडियो वीडियो दोनों आपको दिखाई दे रही है, तो आप इसको लेकर दिखाते हैं, देख सकते हैं ड्रोन जब हमारे पास में था उसकी नॉइज कितनी आ रही थी, तो अब दूर जाते जा रहा है तुम्हारी इसमें नॉइज कम होती जा रही है। ऑडियो एकदम अच्छे से क्लियर आएगी। तो दोस्तों हमारा माइक बिल्कुल हमारे रिमोट कंट्रोल में दिया जाता है ओनली, एयरक्राफ्ट में इस वजह से नहीं दिया जाता क्योंकि इसकी पंखुड़ियों की नॉइज ज़्यादा होती है, इस वजह से इसमें माइक नहीं दिया जाता। छोटा सा शॉट लेके दिखाते हैं अपने काम को, जो आप ऑडियो सुन रहे हैं जो हमारे ही ये रिमोट कंट्रोलर ड्रोन से ही हो रही है दोस्तों। रिमोट कंट्रोल के पास बिल्कुल एयरक्राफ्ट है, तो इसकी आप नॉइज सुन रहे होगे कितनी नॉइज आती है, देखे कितनी नॉइज, इस वजह से हम इसका माइक
होता है जो रिमोट कंट्रोल में दिया जाता है एयरक्राफ्ट की बजाय। दोस्तों हमारे अब रिमोट कंट्रोल के साथ बिल्कुल एयरक्राफ्ट है, तो इसकी आप मेरे सुन रहे हो कितनी नॉइज आती है। इसका माइक होता है जो रिमोट कंट्रोल में दिया जाता है एयरक्राफ्ट की बजाय। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना। थैंक यू दोस्तों। आपको अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।